अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैरी फूड। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की और एक छोटी नन्ही मुन्नी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे कहते हैं स्वीट चीला या मीठा चीला कह लें आप। बहुत ही मज़े का और झटपट बनता है। सब चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी, इनसे आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं मीठा चीला। तो चलें आ जाएं, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं मीठा चीला बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ये सबसे पहले मैंने गर्म पानी ले लिया, इसमें आधा कप गुड़ है ये, ठीक है, ये डाल देते हैं। गर्म पानी है तो गुड़ जल्दी घुल जाएगा। ठीक हो गया, हल्का सा चम्मच चला देते हैं। जब गुड़ घुल जाएगा पानी के साथ, फिर देखेंगे इसमें क्या शामिल करना। ये देखें गुड़ घुल चुका था अच्छे से पानी में, ये एक ग्लास है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये मैंने एक कप भर के मैदा ले लिया, इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। ये सब चीज़ें आपके घर में होंगी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करके तो मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम से नहीं डाल देना आपने पानी, बैटर ना हमने ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना पतला रखना है, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको किस तरह में होना चाहिए। गुड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ना, अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल किया करें। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि गुठलियाँ ना रह जाएँ कहीं भी। चलें जी, बैटर हमारा मिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें सौंफ डाल लेते हैं, बिल्कुल इतनी सी। ये देखें खुशबू अच्छी आएगी इससे। साथ में क्या करते हैं, ये कोकोनट पाउडर है, छोटा चम्मच भर के ये शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ये शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए आपका, ये देखें ऐसा, ठीक है। चलें जी, इसके पास इतनी सी तैयारी थी। अब ये देसी घी है, अगर आपके पास है तो आप ये यूज़ करें, अगर नहीं है तो जो भी आप ऑयल या घी वगैरह यूज़ करते हैं वो कर लें देसी से। अगर देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने एक पैन ले लिया, थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं देसी घी से। ताकि पैन में अच्छे से घी लग जाए। अब क्या करेंगे, मीठा चीला बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से एक स्पून ले लेना आपने, इस तरह से डाल देना, जिस साइज़ के भी आपने बनाने हैं, ठीक है। डाल के इसको ऐसे हल्का सा कर लेंगे। इसकी भी साइड चेंज हो गई। बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के आपने बनाना है, 1.5 मिनट एक साइड से और फिर साइड पलट के फिर 1.5 मिनट के लिए पका देंगे और मज़ेदार मीठा चीला तैयार। ये ना हमारी नानी अम्मी जो थी ना, वो बना के हमें दिया करती थी। तो मुझे आज अचानक से ख्याल आया है भी बारिश वाला मौसम, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। टूटता बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र हो गया आपने बनाना है।
जी तो व्यूवर्स, हमारे स्वीट चीला बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट बना है स्वीट चीला का। गरम गरम। यकीन जानिए इतना मज़े का, सॉफ्ट और किनारे इसके क्रंची हैं, ऐसे लग रहा है आप मिठाई वाली दुकान में जाकर कोई बहुत ही लजीज सा मीठा खा रहे हैं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।